इस पानी को भाई कोई भी पीलेगा तो कहते हैं कि उसके बॉडी में कितनी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएंगी। तो भाई ने भाई कवारा भाई जी का बयान आंदा भाई पार्वती माता मंदिर बजा के बहु मांग्स को अपनी। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज है सावन का पहला सोमवार, तो भाई उसकी सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अब उठे हैं, टाइम हो रहा भाई 5:30 का। तो भाई स्नान नहीं किया, स्नान करेंगे ऋषिकेश क्योंकि हम जा रहे हैं नीलकंठ, क्योंकि भाई बोल रहे कि बहुत भीड़ है और भाई डबल किराया हो चुका है शायद। तो फिर अब देखते हैं कि मतलब क्या रहेगा क्या नहीं, क्योंकि अब ये है सूखी नदी, तो यहाँ से मिलेंगे ऑटो तो उन्हीं का वेट करते हैं अब। और बाकी भाई करेंगे फिर नीलकंठ महाराज के दर्शन, क्योंकि कल या परसों उठाएंगे फिर कावड़। तो फिर देखते हैं कि क्या रेट है, रेट कन्फर्म करके बताता हूँ मैं। बोले ना भाई, बोले बाबा की पेंटिंग कर दी बढ़िया एक नंबर की, वाह जी गजब की पेंटिंग बनाई है एक नंबर मूर्ति में, जय शंकर भगवान। तो गाइस अब आए भाई दुधारी चौक पाए हैं, तो यहाँ पे नीलकंठ और ऋषिकेश की एक साथ मिली है गाड़ी, तो 400 रुपये किराया है भाई। और लक्ष्मण झूला रोकेगी आधा घंटा, क्योंकि भैया मैंने बोला स्नान के लिए गंगा स्नान, तो भाई और 400 रुपये सवारी है भाई, ज़्यादा नहीं है। मतलब वो बोल रहे थे कि दो दो तीन तीन हज़ार रुपये, लेकिन वो नहीं है भाई, अपना कन्फर्म करके बैठी हो जो भी है। बाकी भाई अब मिलते हैं ऋषिकेश में। तो भाई लक्ष्मण झूला आए हैं अब यहाँ पर गंगा स्नान करके फिर चलेंगे आगे। नाश्ता भाई ने करवा दिया था, नीचे उतरन लग रहे भाई, इसे नीचे उतरना कहते हैं भाई। तो भाई नाश्ता कर लिया था, तो भाई ब्यूटी देखो नेचर की ब्यूटी। बाकी गोड़े लगे भाई नीचे उतरते हैं, मजा आ गया भाई। अगर आप बाइक पाओ ना तो बेस्ट है बिल्कुल, मतलब जो सीनरी है वो मजा आ जाएगा। तो भाई अब चलते नीचे फिर नीलकंठ पर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ मिल सके। तो भाई वो लक्ष्मण झूला वो अभी बंद कर रखा है क्योंकि उसकी मरम्मत चल रही है, तो इसकी वजह से गायत्री झूला ओपन किया है। और भाई ये रहा गंगा माँ लक्ष्मण झूला, ये बोट है किसी भाई ने अपना बोट बाटिंग करनी होते हो। वाह भाई पूरा तेज आ रहा है, अपने पास में ना लेंगे एक आधी फोटो उतरवा फिर नहाते हैं गंगा स्नान करके फिर निकलते हैं आगे। ये भाई फिलहाल बंद कर रखा है कावड़ यात्रा के लिए गायत्री झूला, भाई इसलिए ओपन किया है क्योंकि उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी वजन के मामले में, और फिर इसको ओपन करेंगे रिपेयर करके, ना तो ऊपर से व्यू दिखाता आपको। तो गाइस भाई पीपल कोटी आ गए और भाई जाम लग रहा है कम से कम 2-3 किलोमीटर का जाम भाई। नीलकंठ सिर्फ 5 किलोमीटर रह रहा है यहाँ पे, लेकिन 2-3 किलोमीटर का जाम लग रहा है। तो भाई नीलकंठ जी ने जाना हो भाई कावड़ भाई ने, कावड़िया भाई ने, तो भाई वो अपना जितना जल्दी सुबह हो उसको उतना जल्दी निकलियो, क्योंकि भाई फिर बाल लगेगा जाम। तो अभी देखो भाई कितनी देर में खुला, सिर्फ 5 किलोमीटर रह, लेकिन जिस हिसाब से जाम लग रहा है भाई लागता नहीं जल्दी नंबर आओगा। देख लो जितनी नजर जाओगी सारे गाड़ी रुक रही है। नीलकंठ की चढ़ाई चालू प्रधान या 30 वेदी के वो लोग संभालेंगे, अब वो लिया है कैंडम उसके गोडे हम जान नहीं रही है, वो लोग को थारा भाई नीटू कंटिन्यू करेगा माइक टेस्टिंग। बोल शंकर भगवान की जय। भाई साहब नजारा
नजारा देख पहाड़ों का। यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। बोलो ओ दाऊद, लेकर फिर चल, पहली फुर्सत में निकल। गाइस ये है भाई पहाड़ों से निकलता हुआ पानी, देख लो पहाड़ों से आता है ये पानी। इस पानी को भाई कोई भी पीलेगा तो कहते हैं कि उसके बॉडी में कितनी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएंगी। नीलकंठ मंदिर से भाई थोड़ा सा पीछे है बस ये, तो भाई अब चलते नीलकंठ मंदिर। देख लो भाई ये छोरा भाई अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की वीडियो बना रहे हो छोरा, बढ़िया भाई कोई बात नहीं। ये नीलकंठ का एग्जिट गेट है, यहाँ से वापस आना है और यहाँ से अंदर जाना है। तो भाई अपनी आप चप्पल या तो गाड़ी में उतार के आए या फिर भाई जहाँ से प्रसाद लें वहाँ तो भाई अपना चप्पल उतार सके हैं, जैसे हमने कि इस शॉप से लिया है तो यहाँ पे भाई चप्पल उतार ली, क्योंकि वहाँ से आएंगे आप तो आपको यहीं की चप्पल मिल जाएंगी। चप्पल का भाई ध्यान रखियो क्योंकि यहाँ पे फ्री है तो आपकी सेफ भी रहेंगी। भाई उधर से है पैदल जाने का रास्ता, और जो भाई ने भाई कवारा भाई जगह बयान आंदा भाई पार्वती माता मंदिर बजा के बहु मांग को अपनी भाई नीलकंठ के लिए कम से कम भाई 3-4 किलोमीटर की लाइन है, क्योंकि भाई सोमवार है ऊपर था फिर कावड़िया का महीना। कोई भी भाई अपना बीच लाइन के बीच में दबड़ के सोचते ना कहा किसी ने देखा, पुलिस ने देखा तो भाई ऊपर वाला सारा देखा है। जितना कठिन परिश्रम करोगे भाई उतने बढ़िया दर्शन होंगे बाबा के। देख लो कितनी लाइन है और आगे भी देख लो कितनी लाइन है भाई, देखो कितनी दर्शन होंगे रात ही, मैंने अंदाजा लगाया जहाँ तक रात तक होंगे भाई। बाकी जय बोले बाबा, तुम तो मौसम तो बढ़िया कर रखा भाई बोले ने कि मतलब ना अगर मिला इतने पसीने तो आ रहे भाई क्योंकि चालन लग रहे जबकि 5 रुपए शंकर भगवान की। भाई देख लो ये कोई मन्नत मांगा जब हो आग रहा सब तो मुश्किल कावड़ है। यो बोला अपना भाई नुआ जागा और भाई फिर अपना नीलकंठ पर जागा जल चढ़ाऊगा। देख लो भाई सब तो मुश्किल गया भाई, जब आया भाई नंबर 3-4 घंटे में नीलकंठ महादेव का गेट, आ गई भीड़ लाग रही भाई। बोल शंकर भगवान की, हर हर महादेव। आ रहा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जब हुए भाई दर्शन भाई बहुत देर तक लाइन में लग रहे थे भाई, किसी कावड़ यात्री ने किसी कावड़ भाई ने अपना नीलकंठ पाना हो तो भाई सुबह हो जितनी सुबह हो सके 4 बजे 5 बजे 3 बजे, क्योंकि भाई उसके बाद तो 6-7 बजते भी अगर चलोगे तो आप भाई बहुत लाइन लंबी है बहुत, क्योंकि कावड़ टाइम पे भाई बहुत मतलब 1000 क्या कहूँ मैं लाखों की उसमें तादाद में कावड़ी आ रहे भाई कावड़िया भाई भाई जीत देखो उड़ दी 4-4 किलोमीटर की लाइन है। 4-5 घंटे हम नंबर आने लग रहे भाई, हम तो अपना लास्ट में लोग बीच में तो करे थे भाई बीच में ना करो, 1 घंटे बाद दर्शन हो जाएंगे भोले बाबा के, लेकिन दिल खुश हो जाएगा दर्शन हो गए तो भाई अब चलते हैं भाई ऋषिकेश वापस, मतलब हरिद्वार। ऋषिकेश तो नहीं रुकेंगे शायद क्योंकि हरिद्वार ही जाएंगे, तो भाई मज़ा आ गया भाई दर्शन करके। जय शिव शंभू। सब पीते हैं भाई स्पेशल बांग, सेकेंड टाइम ट्राई बांग। अंकल बना दो एक गिलास बना दो, तेज मत करियो नॉर्मल ही रखियो।
तो गाइस नीलकंठ से आए भाई, बारिश हो रही है तो भाई अब थोड़ा सा आराम कर लें क्योंकि भाई थक गए बंद भाई, तो आराम करेंगे, मैं भाई वीडियो एडिट करूँगा जहाँ तक है। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद। अब भाई बारिश रुक गई है, अब भाई खाना खा के और भाई सो है क्योंकि 10 बज रहे हैं, और भाई क्योंकि फिर कल कावड़ भी उठानी तो भाई नींद पूरी नहीं हुई तो भाई बहुत परेशान हो जाएंगे। तो भाई अब सोते हैं, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय बाबा की। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जय शंकर भगवान, मेरा राखी सप्ताह।